ख्रीस्टियान कन्वर्सन रो विरोध करुथबा हिंदूंकु स्वरा भास्कर कहिले गद्ध मानंकर बरजात्री सांता क्लॉज रो कुशपुतलिका दाहकु सह्य करिपारिलेनि स्वरा। डिसेंबर 25 तारीख दिन क्रिसमस पालन करिबा सह किछि लोक तुलसी पूजन दिवस मध्य पालन करिथांति। प्लास्टिक रो गच्छकु सजाइबा परिवर्ते आयुर्वेद रे गुरुत्वपूर्ण स्थान रखुथबा तुलसी रो पूजा करिबा उचित बोली सेमानकर तर्क रहिथाय। उत्तर प्रदेश आग्रा रो सेंट जोन्स छकठारे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद रो कार्यकर्ता माने सांताक्लॉज मुर्दाबाद सांताक्लॉज फेरी जाओ आदि स्लोगान देबा सह सांताक्लॉज रो कुश पुतलिका दाह करथिले। एही संगठन रो वरिष्ठ नेता अजु चौहान एही अवसर रे कहिथिले जे डिसेंबर मास रे क्रिश्चियन मिशनरी माने एही देश रे सक्रिय होइ जैथांती। एही समय रे सेमाने अधिकरु अधिक धर्मांतरीकरण काम करथांती। सांताक्लॉज कौनसी गिफ्ट नहीं आसी नथाय, से केवल धर्मांतरीकरण कराइबारे सहायता करिथाय। सुनंतु से कौन कहुछंती। देखिए, दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सांताक्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाईयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सांताक्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सांताक्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सांताक्लॉज का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में हिंदुत्व चलेगा, कोई ईसाईयत नहीं चलेगी। संगठन पदाधिकारी माने आहुरी कहिथिले जे गरीब बस्ती मानकरे क्रिश्चियन मिशनरी माने लोकमानंकु धर्मांतरीकरणर जालरे फसाइबाकु चेष्टा करुछन्ती। एहाकु रोकिबा पई ताक संगठन पक्षरु टीम गठन करा जायछि ओ मिशनरी मानकर एभली कार्यकलाप उपरे सेमाने नजर रखिबे। तेबे बेआईन भाबे प्रलोभन ओ अन्य उपायरे गरीब लोकमानंकु कन्भर्ट करिबाकु प्रयास विरोध करुथुबा देखि स्वरा भास्कर सही पारिनाहंती। से बेआईन धर्मांतरीकरण को विरोध करुथुबा लोकमानंकु गद्धंक बरजात्री बोली लेखिछंती। स्वरांकर एही मंतव्यर मध्य सोशल मीडिया रे प्रबल प्रतिक्रिया देखा जायछि। जणे सोशल मीडिया व्यवहारकारी पालघर रे हिंदू साधुमानंकर लिंचिंग समयर फोटो को शेयर करी स्वरांकु पचारिछंती जे कण आपण एही बिचारा साधुमानंक विषयरे मुह खोलिथिले। डॉक्टर समन्वय नंदक इनपुट सहित ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।